राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मेरठ में आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सांसद अरुण गोविल सहित वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांसद अरुण गोविल ने आशाओं द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की प्रशंसा करते हुए बताया कि उनका कार्य और दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 में अपने निर्धारित क्षेत्रों में उत्तम कार्य हेतु प्रत्येक ब्लॉक से 3 सर्वश्रेष्ठ आशाओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। ये सम्मेलन में पहली बार मेरा आना हुआ है, मुझे पहली बार परिचय हुआ है इस सम्मेलन से। पर जो काम आशा बहने हमारी करती है, 18 वर्ष पूरे हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, आप सबको भी, हम सबको बहुत बहुत बधाई। और जो काम ये करती हैं वो काम कोई एक नहीं है, मुझे मेरे सामने जो जितने काम आए, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरा स्वास्थ्य विभाग में जितने काम होते हैं, सामाजिक कल्याण में जितने काम होते हैं, वो सारा ही कुछ ये बहने करती हैं, अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं। इन सभी को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। 18 वर्ष पूर्ण हुए हैं आशा बहनों के कार्यकाल का, और जिस तरीके से मेरी आशा बहने ग्राउंड लेवल पर जाकर घर घर जाकर प्रदेश की राष्ट्र की सारी योजनाओं को उपलब्ध करवा रही हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मेरी बहनें रात दिन ग्रामीण क्षेत्र में लगी रहती हैं, स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध कराती हैं। मैं चाहूंगा कि प्रभु ने हिम्मत दे और हम सब इनके साथ रहे और ये इसी तरह निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवा उपलब्ध कराती रहे। हमें ये हमारा जो 23 अगस्त को हर साल ये आशा दिवस मनाया जाता है, इसमें आशा जो मतलब अच्छा कार्य करती हैं अपनी फील्ड में, उसके लिए हमें है ना प्रोत्साहित मतलब सर्टिफिकेट शील्ड वगैरह दी जाती है। इसमें 3 इनाम मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये हर साल मिलते हैं। ये बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें और आगे जाना चाहिए और हमें मेहनत का फल मिल रहा है।